बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने रिपोर्ट्स इन एमएस एक्सेस के टॉपिक का आगाज किया था, जिसमें हमने एक टेबल पर डिपेंडेंट एक सिंपल रिपोर्ट को क्रिएट करना सीखा था और साथ के साथ रिपोर्ट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और वो क्यों यूज किए जाते हैं इसकी डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में दोस्तों हम रिपोर्ट को एक दूसरे तरीके से क्रिएट करना सीखेंगे, जिसका नाम है क्रिएटिंग रिपोर्ट्स यूजिंग विजिट विंडो। यानी आप विजिट विंडो के थ्रू किस तरह से एमएस एक्सेस में रिपोर्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं इसकी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले क्रिएट के टैब पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको रिपोर्ट्स का ग्रुप नजर आ रहा होगा और यहाँ पर आपको अपर राइट कॉर्नर पर रिपोर्ट विजिट का बटन नजर आ रहा होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिपोर्ट विजिट विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है विच फील्ड्स डू यू वांट ऑन योर रिपोर्ट। यानी आप अपनी रिपोर्ट पर कौन सी फील्ड्स को देखना चाहते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले वो फील्ड्स जिन टेबल में मौजूद होगी उस टेबल को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया है कस्टमर के टेबल को। इसके बाद दोस्तों अगर आप इस टेबल के ऑप्शन के नीचे इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें तो जितने भी डेटाबेस में आपके टेबल्स मौजूद हैं यहाँ पर वो तमाम टेबल्स आपको नजर आ रहे होंगे। मिसाल के तौर पर आपके डेटाबेस में चार टेबल्स हैं, कस्टमर, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉई एंड ऑर्डर। तो इन चारों में से आप जिस भी टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो उस टेबल की जो फील्ड्स हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। अब क्योंकि ये आपसे बोल रहा है कि आपको फील्ड्स को सिलेक्ट करना है, तो आप सबसे पहले अगर वन बाय वन फील्ड्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से ये राइट एरो जो आपको नजर आ रहा है, सिंगल राइट एरो, क्योंकि अगर आप सिंगल फील्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिंगल राइट एरो के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सारी फील्ड्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये जो डबल राइट एरो आपको नजर आ रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये सारी फील्ड्स यहाँ पर सिलेक्टेड हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों अगर आप इन फील्ड्स में से किसी फील्ड को डीसिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, जिनके थ्रू आप वन बाय वन भी डिसलेक्ट कर सकते हैं अपनी फील्ड्स को और एक साथ तमाम फील्ड्स को भी डिसलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने टेबल जो सिलेक्ट किया है वो है ऑर्डर और उसमें फील्ड्स हैं ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, ऑर्डर अमाउंट एंड कस्टमर आईडी। अब दोस्तों आपको क्योंकि आप तमाम फील्ड्स जो है यहाँ पर देखना चाहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कस्टमर आईडी भी लेना चाहती हूँ, अमाउंट भी देखना चाहती हूँ और ऑर्डर की डेट भी देखना चाहती हूँ, ऑर्डर आईडी भी, तो मैंने यहाँ पर डबल राइट एरो जो है उस पर क्लिक करूंगी तो अब तमाम फील्ड्स मेरी सिलेक्ट हो चुकी हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी। डू यू वॉन्ट टू एड एनी ग्रुपिंग लेवल्स। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें ये पता चला कि जब हम रिपोर्ट विजिट विंडो के थ्रू अपनी रिपोर्ट को क्रिएट करते हैं तो एमएस एक्सेस आपको फील्ड्स को ग्रुप करने के भी का भी फीचर प्रोवाइड करता है। यानी ग्रुप से मुराद ये है कि आप एक मेन फील्ड के अंदर मल्टीपल फील्ड्स को ग्रुप कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, ऑर्डर अमाउंट और कस्टमर आईडी की फील्ड मौजूद है। तो अगर मैं अपनी रिपोर्ट में इस तरह से देखना चाहती हूँ कि एक कस्टमर ने कितने ऑर्डर्स को प्लेस किया है, तो उसके लिए मैं इस कस्टमर आईडी को मेन आईडी बना लूंगी और बाकी ये जो तमाम आपको फील्ड नजर आ रहे हैं ये कहलाएंगी इसकी अंडर फील्ड्स। यानी ये मेन फील्ड होगी और इसके अंडर आपको ये तमाम डेटा, ये तमाम वैल्यूज नजर आ रही होंगी। कस्टमर आईडी 1 जो है इसने ऑर्डर आईडी 2, इसकी ऑर्डर आईडी 2 है, इसकी ऑर्डर डेट क्या है, इसकी ऑर्डर अमाउंट क्या है, इस तरह से तमाम डेटा आपकी रिपोर्ट में शो होगा। करने के बाद दोस्तों डेटा को ग्रुप करने के बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है व्हाट सॉर्ट ऑर्डर और समरी इंफॉर्मेशन डू यू वांट फॉर डिटेल रिकॉर्ड्स। यानी दोस्तों जो आपके रिकॉर्ड्स होंगे क्या आप उनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, यानी आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसकी फंक्शनैलिटी भी, इसका फीचर भी आपको एमएस एक्सेस का रिपोर्ट विजिट फराहम करता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये जो आपको फील्ड्स का ऑप्शन नजर आ रहा है आप इनसे फील्ड्स को सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर ऑर्डर अमाउंट की फील्ड सिलेक्ट करी और मैं यहाँ पर इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवाना चाहती हूँ तो मैंने असेंडिंग को सिलेक्ट किया। अगर आप डिसेंडिंग पर को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसी पर ही क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिसेंडिंग हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी मैंने इसको असेंडिंग कर दिया है। इसके बाद अगर आप मजीद फील्ड को सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फील्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है समरी ऑप्शन का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, What summary values would you like to calculate it? यानी दोस्तों आपका जो MS Access है
इसका जो विजिट विंडो है, रिपोर्ट विजिट विंडो है, ये आपको प्रोवाइड करती है फंक्शनैलिटी कि आप फील्ड्स को, फील्ड्स का सम भी मालूम कर सकते हैं, उनका एवरेज भी मालूम कर सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम भी मालूम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ऑर्डर अमाउंट का सम या फिर मिनिमम मैक्सिमम मालूम करना चाहते हैं तो आप इस चेकबॉक्स पर क्लिक करते जाएंगे और आपकी रिपोर्ट में ये तमाम वैल्यूज शो हो जाएंगी। अगर आप उसकी परसेंटेज मालूम करना चाहते हैं तो आप इस वाले चेकबॉक्स पर भी क्लिक कर लेंगे। ये सब करने के बाद अब दोस्तों आप ओके करेंगे तो आपको ये तमाम चीजें जो है, इस ऑर्डर अमाउंट का सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, ये आपको रिपोर्ट पर नजर आएगा। इसके बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आप इस नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और विंडो ओपन होगी, हाउ वुड यू लाइक टू ले आउट योर रिपोर्ट। दोस्तों ये जो लेआउट है ये दरअसल ये बताता है कि अब आपकी रिपोर्ट शो किस तरह से होगी, दिखेगी किस तरह से। अभी तक जो तमाम ऑप्शंस थे कि रिपोर्ट्स में कौन कौन सी फील्ड्स होनी चाहिए इससे रिलेटेड थे, रिपोर्ट्स में फील्ड्स में क्या क्या चीजें आपको नजर आएंगी कि आप क्या कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज ये सब मालूम करवाना चाहते हैं, तो वो चीजें शो हो रही थी। लेकिन यहाँ से ये आपसे पूछा है कि आप अपनी रिपोर्ट का लेआउट कैसे देखना चाहते हैं, आपकी रिपोर्ट में जो मौजूद है फील्ड्स वो फील्ड्स किधर किधर प्लेस होनी चाहिए। तो इसके लिए ये आपको तीन ऑप्शन देता है, स्टैप, ब्लॉक एंड आउटलाइन का। और दोस्तों जैसे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी रिपोर्ट का प्रीव्यू भी नजर आएगा। जैसे स्टैप के अंदर ये तमाम है आपकी फील्ड्स, ये है मेन फील्ड जो कि हमने ग्रुप में सिलेक्ट की थी, और ये है आपकी उस मेन के अंदर जो फील्ड्स आती हैं, सब फील्ड के ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, ऑर्डर अमाउंट, और ये तमाम मिनिमम मैक्सिमम वगैरह की वैल्यू। इसी तरह ब्लॉक के अंदर आपकी फील्ड्स इस तरह से शो होंगी, और आउटलाइन को आप सिलेक्ट करेंगे तो उसमें आपकी फील्ड्स इस तरह से सिलेक्ट होंगी। इसके बराबर में आपको ऑप्शन नजर आ रहा है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन आमतौर पर हम तब यूज करते हैं जब दरअसल हम अपनी रिपोर्ट्स को प्रिंट आउट करते हैं, तो ये हमें बताता है कि हमारा जो पेपर है वो पोर्ट्रेट वे में प्रिंट होगा या लैंडस्केप वे में होगा। पोर्ट्रेट मीन्स के वर्टिकल वे में आपकी जो रिपोर्ट है वो प्रिंट होगी, और लैंडस्केप मीन्स की ये हॉरिजॉन्टल वे में प्रिंट होगी। और बाय डिफॉल्ट एमएस एक्सेस जो है वो पोर्ट्रेट को सिलेक्ट किया हुआ होता है, तो हमने यहाँ पर पोर्ट्रेट को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से पूछ रहा है व्हाट टाइटल डू यू वांट फॉर योर रिपोर्ट, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, इसको टाइटल दे दिया ऑर्डर रिपोर्ट का। इसके बाद दोस्तों आप प्रीव्यू द रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे और फिनिश के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपके इस कस्टमर टेबल की, इस ऑर्डर के टेबल की रिपोर्ट जनरेट हो चुकी है। ये है आपके ग्रुप की जो मेन आपकी फील्ड है कस्टमर आईडी, और ये है तमाम उसकी सब फील्ड जो कि उसके अंडर में आती थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कस्टमर टू ने कौन सा ऑर्डर प्लेस किया है, उसकी आईडी क्या है, उस ऑर्डर की अमाउंट क्या है, उस ऑर्डर की डेट क्या है। तो दोस्तों इस तरह से आपकी रिपोर्ट में जब हम ग्रुप्स को डाल देते हैं तो रिपोर्ट्स को रीड करना बहुत आसान हो जाता है। इस तरह से आपकी जो कस्टमर आईडी 3 है इसने ऑर्डर प्लेस किए हैं 2, ऑर्डर आईडी उसकी है 1, जो पहला ऑर्डर प्लेस किया उसकी आईडी है 3, और जो दूसरा ऑर्डर प्लेस किया उसकी आईडी है 1, उसकी ऑर्डर अमाउंट कुछ ये है। और दोस्तों यहाँ पर क्योंकि हमने सॉर्टिंग अप्लाई की है तो आप देख सकते हैं कि ऑर्डर अमाउंट आपको सॉर्टेड वे में ही नजर आ रही है। और दोस्तों यहाँ पर आपको सम, एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज भी नजर आ रहे हैं ऑर्डर अमाउंट की। तो इस तरह से दोस्तों आपकी रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट विजिट विंडो के थ्रू इस तरह से आपको शो होगी, क्रिएट होगी, और इसके अंदर आप ना सिर्फ कैलकुलेशंस को अप्लाई कर सकते हैं बल्कि सॉर्टिंग को, ग्रुपिंग को, इन तमाम ऑप्शंस को भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब आप अगर इस रिपोर्ट को क्लोज करना चाहते हैं तो आप इस रिपोर्ट के इस ऑप्शन पर राइट क्लिक करेंगे, क्लोज के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी रिपोर्ट क्लोज हो जाएगी। और अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो ये नेविगेशन पेन में आपको रिपोर्ट्स के अंडर में ये ऑर्डर रिपोर्ट की फाइल नजर आ रही है, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑर्डर रिपोर्ट की फाइल ओपन हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर हमारे लेक्चर का अख्तिताम हुआ जिसमें हमने रिपोर्ट विजिट विंडो के थ्रू रिपोर्ट्स को जनरेट करना सीखा। अगले लेक्चर में आप रिपोर्ट को मॉडिफाई किस तरह से कर सकते हैं, उसमें किस तरह से डिजाइनिंग कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।